हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाले मसाला पास्ता की रेसिपी। और ये मसाला पास्ता आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाओगे तो ये इस तरीके से बिना टूटे खिला खिला बनेगा और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से हम आज के हमारे मसाला पास्ता की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून ऑयल और साथ ही आधा टीस्पून नमक। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं पास्ता। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप पास्ता लिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेते हैं। ये पास्ता 3 से 4 मिनट में लगभग 80% तक पक जाएगा और बाकी बचा हुआ 20% हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो अब ये पास्ता लगभग 4 मिनट तक बॉईल कर लिया है और अब ये लगभग 80-90% तक पक चुका है। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो पूरा पास्ता छन्नी में निकालने के बाद इस छन्नी को हम बाउल में रखकर ये बॉईल किया हुआ पास्ता हम 1 ग्लास ठंडे पानी से धो लेते हैं। इसे ठंडे पानी से धोने से हम रेसिपी की बाकी तैयारी करने तक ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो पानी से धोने के बाद अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 मीडियम साइज का बारीक कट करके लिया हुआ प्याज। और प्याज इसमें ऐड करने के बाद इस प्याज का मॉइस्चर खत्म होने तक हम इसे तेल में भून लेते हैं। तो इस प्याज को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन बारीक कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये अदरक लहसुन भी हम तेल में थोड़ी देर तक चलाते हुए भून लेते हैं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बारीक कट करके लिया हुआ गाजर और इसे भी हम तेल में चला लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा कॉर्न। आप चाहे तो कॉर्न बॉईल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1 टमाटो की प्यूरी। और अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट चलाते हुए एक साथ मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं 1 कट करके ली हुई शिमला मिर्च। आपने भी शिमला मिर्च इसमें सबसे लास्ट में ऐड करनी है क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। तो शिमला मिर्च भी बाकी चीजों के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही स्वादानुसार नमक लगभग 1/2 टीस्पून। और अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से पकने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं बस 1/2 कप पानी। और ये पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लगभग 3 से 3.5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून टोमेटो केचप। आप टोमेटो केचप के जगह सेजवान चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और टोमेटो केचप या सेजवान चटनी इसमें ऐड करने के बाद इसे भी बाकी मसालों के साथ मिक्स कर ले। और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने पहले से ही बॉइल करके रखा हुआ पास्ता। और ये पास्ता इसमें ऐड करने के बाद इसे हल्के हाथों से ग्रेवी के साथ मिक्स कर ले। अगर आप पलटे को पास्ते में रगड़ते हुए मिक्स करेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल जेंटली हाथों से मिक्स कर ले। तो यहाँ पर मैंने ये पास्ता ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 छोटी वाली पास्ता मसाला की पाउच। ये पास्ता मसाला की पाउच इसमें ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसे भी हम पूरे पास्ते में एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना टूटे पास्ते को अच्छे से मिक्स करने के लिए कढ़ाई को दोनों हाथों में पकड़कर इसे इस तरीके से टोस्ट करते हुए मिक्स कर सकते हैं। तो पास्ते के साथ ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसके ऊपर चमचमाता कलर भी आया है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल स्टेप्स में मसाला पास्ता बनकर तैयार है। आप ये मसाला पास्ता की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दे आपसे आपका मसाला पास्ता कैसे बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।